हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शीबा। आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार हनी चिली पोटैटो की रेसिपी लेके आई हूं, जिसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो चिली पोटैटो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अपने आलूओं को छील लिया है और अब हमें इन्हें बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह से कट कर लेना है। तो इसके लिए हम अपने आलूओं को कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। इसकी थिकनेस को आपको ध्यान में रखना है, हमें बहुत पतले नहीं काटना है, हमें हाफ इंच मोटान से काटना है। तो ये इस तरह से कट गया है और अब हमें इसे इस तरह से काट लेना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज के शेप में हमने इसे इस तरह से काट लिया है। तो सारे ही हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारे तमाम आलू इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ हमने अपने एक बर्तन में पानी बॉईल कर लिया है और अब हमने फ्लेम लो कर दी है। अब हम अपने इसमें सारे आलू डाल देंगे। 5 मिनट तक इन्हें हमें लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें बॉईल कर लेना है, ताकि इनका जो मांड हो वो निकल जाए और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं इसे बॉईल होते हुए और इसका आप देख सकते हैं काफी स्टार्च निकल चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से ड्रेन कर देंगे, ताकि इसका सारा पानी टपक जाए और ये थोड़े ड्राई भी हो जाए। ये हमने कुछ इस तरह से छन्ने में अपने स्ट्रेनर में रख दिया है और इसे अब हम थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं, ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। बॉईल करते टाइम अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा नमक डाल सकते हैं, ताकि वो अंदर से भी थोड़ा सॉल्टी हो जाए। लेकिन हम स्पाइसेस इतने सारे यूज़ करेंगे जिसमें अच्छा खासा नमक हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस नमक की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे बॉईल करते टाइम थोड़ा नमक डाल सकते हैं। यहाँ हमने अपने एक बाउल ले लिया है, जिसमें हमें ले लेना है मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर 4 टेबलस्पून हम ले लेंगे। और 4 टेबलस्पून ही मैं यहाँ ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च भी आप कह सकते हैं। हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया है यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू। और इन्हें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि पूरी अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। कोटिंग अच्छी तरह से हो गई है। अब आप चाहें तो इसे एक एक पीस को उठा के इसे इसी तरह से फ्राई कर ले, और चाहें तो इसमें थोड़ा पानी मिला ले और इसका एक बैटर बना ले और उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए और उसको फिर आप डीप फ्राई कर लें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसमें मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। पानी मैंने यहाँ पे बस 2 टेबलस्पून के अंदाज से ही डाला है और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी सी इस पर कोटिंग हो चुकी है। यहाँ हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, जिसे हमें काफ़ी हाई फ्लेम पर इसे कर लेना है। और अब हम इसमें एक एक करके अपने ये वेजीज आलू डालते जाएंगे। ध्यान रहे ऑयल हमारा काफ़ी हाई टेम्परेचर पर गर्म होना चाहिए। बहुत अच्छे से हमारे ये वेजेस बन रहे हैं और इन्हें हम चलाते रहेंगे बीच बीच में, और इन्हें हमें पलटना है, हिलाना है, और जब ये बिल्कुल करारे क्रंची हो जाएंगे तब इन्हें हमें निकाल लेना है। तो देखिए, हमारे बहुत ही शानदार आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं सॉस। सॉस बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर, और हम ले रहे हैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च। सभी सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम डाल देंगे इसमें 1/2 कप पानी, डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। सॉसेस में भी हमारे नमक है तो हमें देख के ही डालना है। यहाँ हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल,
जिसमें मैंने ले लिया है गार्लिक, 3 बड़े साइज की गार्लिक मैंने लिए हैं अच्छे से चॉप करके। इसे हमें थोड़ी सी देर से इसी तरह से सॉटे करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी अनियन जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस किया हुआ है। मैंने हाफ अनियन ले रखी है, इसे भी हमें इस तरह से थोड़ा सा सॉटे कर लेना है कुछ सेकेंड्स के लिए। और अब हम डाल देंगे इसमें अपने कैप्सिकम जो मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं, इन्हें भी हमें कुछ सेकेंड के लिए इसी तरह से सॉटे कर लेना है। हम इसमें डाल देंगे अपनी सॉस और इसे हमें अच्छे से चला लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है और इसे अब हम पका लेते हैं। इसमें हमने कॉर्न स्टार्च डाला है तो ये थोड़ी थिक हो जाएगी सॉस जैसी। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हनी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने पोटैटोस और इन्हें हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमारा कितना शानदार हनी चिली पोटैटो बनकर एकदम तैयार हो गया है। इसमें अगर आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। आप जितना स्पाइसी पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें आप और ज्यादा इसको स्पाइसी बना सकते हैं। लॉकडाउन के चलते अगर आप बाहर से कुछ नहीं मंगा पा रहे हैं तो अब मंगाने की क्या जरूरत है जब आपको खुद ही बनाना आ गया। तो अब इसे आप अपने घर में बनाएं और सबको खिलाएं और इसके मजे लें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।